हेलो गाइस, मैं प्रियल, आपका प्रियल मेमोरीज में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आज पहली बार हमसे जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, प्रियल मेमोरीजनिंग को शेयर कीजिएगा और लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। रेगुलरली हम आपसे यहाँ पे मिलते हैं सुबह 9 बजे। आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 से 3 मिनट का समय लेती हूँ मैं डेली, और 2 से 3 मिनट में आपको 2 नए सवाल सिखाती हूँ, ठीक है? तो आज हम लेके आए हैं, आज हमारे सवाल है आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए, 100 ऑरेंज जो खरीदे गए कितने में? 100 ऑरेंज खरीदे गए हैं 350 रुपये में, ठीक है? और बेचे गए हैं 12 की रेट पे, 12 संतरों को बेचा गया है 48 रुपये में, ठीक है? ये क्या है? सीपी है, ये क्या है? एसपी है। अब देखो फर्क पता ही चलेगा, 100 खरीदे 350 रुपये में, 12 बेचे 48 रुपये, मतलब कंपेयर नहीं कर पा रहे। कंपेयर करने के लिए जो आपकी क्वांटिटी है वो बराबर क्यों नहीं चाहिए कि भाई 12 मैंने खरीदे इतने में, 12 बेचे इतने में, तब पता चलता है कि भाई कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हुआ। तो पहले बराबर करते हैं, 100 की कीमत कितनी है? 350 रुपये थी। 12 की कीमत कितनी हो जाएगी? 350 अपॉन का 100 इंटू का 12, 7 जा 2 जा 2 6 जा 42, मतलब 12 कितने में खरीदे गए हैं? 42 में खरीदे। अब देखो, अब समझ में आया, देखो 12 खरीदे में 42 में है, बेचे 48 में, कितने का प्रॉफिट हुआ? 48 माइनस का 42 अपॉन का 42 कितना होगा? 6 अपॉन का 42 इंटू का 100, तो कितना है? 7 जा 100 अपॉन 7 कितना होता है? आपको याद होना चाहिए 14 सही 2/7%, इतना मुझे प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन नंबर डी। सवाल समझ में, कितना आसान सवाल था, कितना मिनट लगा होगा मुश्किल से? मुझे 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा होगा इस सवाल को सॉल्व करने में, ठीक है? ये आपका प्री के लेवल का सवाल है। कितने प्री के लेवल पे इस टाइप के सवाल आते हैं। अगला सा क्वेश्चन देखते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अगला सवाल देखिए, ये भी आपका क्या है, परसेंटेज का ही सवाल है, लेकिन थोड़ा ट्रिकी सवाल है, ऑप्शन से करने वाला सवाल है, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति एक वस्तु को 75 रुपये में बेचता है, जिसमें उसे लागत मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होता है, मतलब जितना उसका सीपी है उतना ही उसको प्रॉफिट हुआ है। सीपी और प्रॉफिट परसेंट बराबर है, मतलब ऑप्शन से करेंगे, देखो कैसे। बेचा कितने में? 75 में बेचा, ठीक है? जितना सीपी है उतना ही प्रॉफिट और परसेंट है, मतलब ऑप्शन से करते हैं, 50 से लेते हैं, ठीक है? अगर 50 सीपी है, ठीक है, मान के चलो 50 सीपी है, 50% उसको प्रॉफिट हुआ है, मतलब 25 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, कितना हो गया? 75 हो गया, आंसर आ गया हमारा 75। अब देखिए किसी और से करते हैं, मान लेते हैं 150 लेते हैं, ठीक है? अगर 150 मेरे पास सीपी होता, इस पे 150% का प्रॉफिट होता, कैसे निकालती मैं निकालिए, इस पे 150% का प्रॉफिट होता, तो कितना एसपी होता? 225 रुपये का एसपी होता, पर है कितने का? 75 रुपये का है, गलत हो गया, समझ में आ रहा है? देखो 50 इंटू का 150 अपॉन का 100 कितना हुआ? 75 हुआ, वही 75 आ रहा है, तो 50 आपका सही आंसर है, कोई और आपका आंसर सही नहीं बैठेगा, तो कितना हो जाएगा? 50। तो ऑप्शन करने की बात है, इसमें सवाल को समझने की बात क्या है कि जितनी लागत मूल्य है, जितना एसपी है, वो किसके बराबर है? प्रॉफिट पर्सन के बराबर है, ये बात थी यहाँ देखने वाली। सीपी और प्रॉफिट पर्सन, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट पर्सेंट बराबर है, ये बात समझिएगा। सवाल थोड़ा ट्रिकी है, वापस से सोचिएगा एक बार, दिमाग पर जोर डालिएगा तब समझ में आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? तो अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, एक क्लास देखो, मुश्किल से मैंने कितना टाइम लिया आपका, 3 मिनट के अंदर आपको सब कुछ समझा दिया। तो ऐसे रेगुलरली मैं आपके सामने 9 बजे आती हूँ सुबह डेली, आपको 2 से 3 मिनट का समय लेती हूँ, 2 नए और अच्छे क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको पसंद आया हो, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है? टेक केयर, बाय, मिलते हैं कल वापस से, बाय।